20,000 रुपए के बदले मनासा के तस्कर से 1.5 किलो अफीम लेकर 300 किलोमीटर दूर बाइक से गए मनासा तहसील के दो युवक राजस्थान के पाली जिले में रायपुर थाना क्षेत्र के कुशालपुरा में गिरफ्तार हुए। पाली एसपी कालूराम रावत ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिलने पर रायपुर थाने के टीआई मनोज राणा की टीम ने लीलांबा गांव के पास नाकाबंदी की। इस दौरान बाइक से दो संदिग्ध युवक पहुंची, रोककर उनको पूछा गया तो सही जवाब नहीं दे सके। तलाशी लेने पर इनके पास से 1.5 किलो अफीम मिली। मौके से अर्जुन पिता दिनेश सोनी व राहुल पिता गोपाल कृष्ण ब्राह्मण निवासी पीपलिया रावजी तहसील मनासा को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में अर्जुन सोनी ने बताया कि वह 20,000 रुपए के बदले मनासा के तस्कर से अफीम लेकर उसके द्वारा बताए राजस्थान के तस्कर को माल सप्लाई करने आए थे। वह अपने साथी राहुल को भी इसमें से कुछ रुपए देने की बात कहकर अपने साथ लाया था। अर्जुन ने बताया कि मनासा निवासी तस्कर श्याम सुंदर ने 1.5 किलो अफीम उसे सौंपकर बाइक से पाली जिले के रायपुर के निकट कुशालपुरा भेजा था। श्याम सुंदर दोनों युवक से मोबाइल पर लगातार संपर्क में था। राजस्थान के जिस तस्कर को अफीम पहुंचानी थी उसका नाम कुशालपुरा पहुंचने के बाद बताने वाला था। इसके पहले दोनों युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की जांच सोजत एसएचओ रामेश्वर भाटी को सौंपी गई है। इधर मनासा के तस्कर श्याम सुंदर व एक अन्य तस्कर को पाली में दोनों युवकों के गिरफ्तार होने की जानकारी मिलते ही दोनों तस्कर भूमिगत हो गए। पाली पुलिस जल्द ही गिरफ्तारी करेगी। दोनों युवकों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर दोनों तस्करों की तलाश में मनासा पहुंचेगी। इधर मनासा टीआई केएल दांगी ने बताया कि पीपलिया राव जी के दो युवक अफीम के साथ पाली जिले के रायपुर में गिरफ्तार होने की जानकारी मिली है। दोनों युवकों का तस्करी से जुड़ा पुराना रिकॉर्ड नहीं है। पाली पुलिस मनासा में तस्करों की तलाश में आएगी तो उन्हें सहयोग किया जाएगा।